हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो आज आप लोगों को अपने सामने जैपनीज वर्सेस कोरियन का कंपटीशन दिख रहा होगा। जैपनीज की बात कर लूँ फ्रॉन्क्स है, कोरियन की बात कर लूँ i20 है। नॉर्मली एन लाइन है ये, देखो यहाँ पे आपको बैजिंग भी दिख रही होगी गाइस, ये देखो। और ये फ्रॉन्क्स भी नॉर्मल नहीं है, ये भी टर्बो है, 1 लीटर में मैनुअल का कॉम्बिनेशन निकाल रही है ये गाड़ी। देखते हैं गाइस आज इन दोनों की ड्रैग करा के क्या रिजल्ट रहते हैं क्या नहीं। पावर स्पेक्स की बात करता हूं मैं, ओनर से आपको मिलवाता हूं, सारी चीज़ की बात करूंगा। लेकिन पहले आप पीछे से आपको इनकी लुक दिखाता हूं। देखो पीछे से ना मेरे को i20 ये वाली ना कभी से पसंद नहीं आई, लेकिन फ्रॉन्क्स बढ़िया लगती है पीछे से। देखना आप बताओ, ये वाली शेप i20 की मेरे को थोड़ी कम पसंद है पीछे से, थोड़ी ऐसी सी बना दी इन्होंने, देखना थोड़ी सी ऐसी सी शेप है। लेकिन वैसे भाई परफॉर्मेंस इस एन लाइन में एक नंबर की डाल रखी है। हमने अपनी स्विफ्ट की करी थी DCT वाली एन लाइन के साथ, तो वो तो बहुत गैप से हार जाती है। ये मैनुअल है, इसके साथ भी करके देखेंगे आने वाली वीडियोस में, आपको वो भी पता चल जाएगा। एक बारी मैं दोनों ओनर्स को फ्रेम में बुलाता हूँ। भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बस? बिल्कुल ठीक है भाई, थोड़ा क्लोज हो जाओ। तो दोनों भाई अब अपनी गाड़ियों के आगे खड़े हैं। भाई एक बारी अपनी गाड़ी की पावर बताओ। 101 BHP और 150 Nm का टॉर्क। 150 Nm का टॉर्क भाई, 118 BHP और 172 Nm टॉर्क। आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ गई थी? मेरे को आप 11 के अराउंड ले लो, क्योंकि मैंने दिसंबर में लिया तो उस समय ऑफर चल रहा था। हाँ। अब जाके 1 लाख महंगी हो गई होगी। आपको ये 11 लाख रुपए की पड़ी? हाँ, है भाई आपको? मुझे भी 11 लाख। 11 लाख रुपए की। तो आज जो बंदा जिसकी जेब में 11 लाख रुपए हैं, अगर उसको पावर वाइज गाड़ी देखनी है तो वो आज इन दोनों में से डिसाइड कर लेगा। भाई आप अपना ओपिनियन दो, ये मत सोचो कि ये आपकी गाड़ी है। आपको फेयरली क्या लग रहा है कि क्या रिजल्ट रहेंगे? देखो मेरे को एंड लाइन का थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर BHP भी ज्यादा है और टॉर्क भी ज्यादा है, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ वो कर जाएगी, फ्रॉन्क्स को हरा देगी उसको। भाई आप? भाई बस गियरिंग का फर्क है इसमें, ये थोड़ी टॉल गियर लगती है मेरे को और ये सेकंड गियर में ज्यादा, मतलब फिर चेंज करना पड़ेगा इसका, तो थोड़ी पीछे रह सकती है। बट देखें भाई, क्योंकि 175 kg का फर्क है तो वहाँ पे 20 BHP कितनी काम आती है पता चलेगा। भाई DCT वाली तो नहीं भागती है एनलाइन, वो तो बहुत लैगी है। हाँ, बहुत लैगी है। उसका टॉप एंड अच्छा होगा, लेकिन ड्रैग तो वो भागती नहीं है। जब तक वो उठेगी तब तक तो ले जाती है। हाँ। ये यही अगर मैं ऑडियंस बोल लूँ, रोहन भाई क्या लग रहा है? भाई दोनों ही बड़ी कॉम्पिटेटिव कार है, वेट का फर्क आएगा कहीं ना कहीं, पावर तो उसमें एनलाइन में है ज्यादा, एनलाइन में है ज्यादा। बाकी देखते हैं फ्रॉन्क्स का। फ्रॉन्क्स लग भाई, फ्रॉन्क्स लग रही है भाई, एनलाइन लग रहा है, एनलाइन लग रही है भाई, एनलाइन। तो भाई देखो ये ना पलड़ा बराबर सा है, भाइयों ने एनलाइन भी बोल दी, फ्रॉन्क्स भी बोल दी। मेरा वोट पूछोगे तो मेरा वोट भी एनलाइन की तरफ ही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार गलत भी साबित हो जाते हैं हम, क्या पता फ्रॉन्क्स निकल जाए भाई। तो आज अपने पास ये वाला ट्रैक है, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दो दो जने दोनों गाड़ियों में बैठेंगे, AC ऑन ऑफ सारे राउंड आप लोग एयर ड्रॉप में एंजॉय करना। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। ये दोनों भाई जिनकी गाड़ियां हैं, इनका खुद का भी चैनल है भाई, किस नाम से? हार्दिक मलिक के नाम से। डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा? लिंक मिलेगा भाई, अक्षय चावला के नाम, अक्षय चावला के नाम से। डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा? लिंक मिलेगा। तो दोनों भाइयों को जाके करो भाई सब्सक्राइब। एनलाइन देखनी है तो भाई के पास जाओ, और ये फ्रॉन्क्स देखनी है तो भाई के पास जाओ, और गाड़ियों से भी रिलेटेड भाई वीडियो डालते रहते हैं, तो उनको भी एंजॉय करते रहना। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के, वीडियो में बने रहे। सेफ चलाना, जहां लगे वहां ब्रेक ले लेना, ठीक है? ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ, दोनों भाई शीशे से डालो, दोनों में तेज बोल दूंगा। ओह एलाइन निकल गई आगे। ओह एलाइन लो भाई, पहले राउंड में तो एलाइन अपनी निकल जाती है आगे। चलो ले लो ब्रेक, पर ज्यादा गैप नहीं है, ज्यादा गैप नहीं है अभी। तो गाइस रैक तो आप लोग एंजॉय कर ही रहे होंगे, और उससे भी मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ। बहुत सारे DMs आते रहते हैं मेरे पास कि ये भाई पैसा कमाना है। तो मैंने खुद का अपना एक टेलीग्राम का पेज बनाया है, उसका लिंक आपके पिन कमेंट में भी, आपके डिस्क्रिप्शन में भी है। वहां पे मैं आपको टिप्स देता हूँ, वहां पे एडवाइजेस देता हूँ मैं, और अपने टॉप सीक्रेट्स खुद जो जिस तरीके से मैं पैसा कमाता हूँ वो सारे सीक्रेट्स मैं आपको टेलीग्राम के पेज पे बताता हूँ। आपको भी अगर ये वाला लाइफस्टाइल जीना है तो आपको भी भाई टेलीग्राम पे जाके फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, ये जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई, इन सभी के लिए ये फ्री है, आप सभी सब्सक्राइबर भाइयों के लिए ये फ्री है। तो देरी किस बात की गाइस, पिन कमेंट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और जल्दी से फॉलो करो। तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। अब आप चला रहे हो? हाँ। सेकंड नाउ में मैक्सिमम पोटेंशियल ना? मैक्सिमम पोटेंशियल है, एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, आपका भी वही है ना? हाँ। चलो तो भाई मैंने तो लॉन्च कर दिया था, भैया आ गए मास्टर, उनको पता है फिर भी क्या पता जीते। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब टक्कर दे दी भैया ने, निकल गई भाई। तीसरे पे नहीं ज्यादा गैप नहीं बना, लेते जाओ भैया। अरे ज्यादा गैप नहीं बना यार, हल्के से ट्रैक हो तो पोजीशन में लेके जा सकते, देख लो। ये ज्यादा गैप नहीं बना।
नहीं मना यार, ज्यादा कैब नहीं मना, ये नहीं मना ज्यादा कैब, कोई नहीं दूसरे में फिर ट्राई कर सकते हैं, वही बात है, नहीं मना है, पकड़ सकते हैं, ऐसे लग रहा तो पकड़ लेंगे, लग रहा तो पकड़ लेंगे, पोटेंशियल में जाएगी मेरे को लग रहा है, इसलिए निकल रही है आप मेरे, वही बात है अगर लंबा ट्रैक होता ना हम कर जाते हैं, बिल्कुल भाई खतरनाक लॉन्च हुआ था की भैया भैया वो ड्राइवर पे चेंज होते है, आगे फर्क नहीं, लेकिन आगे निकल और पोटेंशियल में ले जाती है, मेरे को लग रही है इनलाइन, इनलाइन निकल रही है, टॉल गियर का थोड़ा सा टॉल गियर है, पर बाद में ऐसे लग रहा है कि ठीक है, अच्छा पीछे ही थी मतलब बराबर सी थी, लेकिन जीती इनलाइन है, इनलाइन जीती है, तो चलो दोबारा थर्ड राउंड करते हैं, सेम पोटेंशियल है, सेकंड करिए वो, हां वही से कर रहे हैं, चलो फिर राउंड तो आ गए सीट पे, देखो चलो भाई चलो करते हैं, यही से कर लेना भाई, भैया ने तो भगा दी थी मतलब दोनों में ऑनलाइन जीती है, हाँ पर ज्यादा गैप से नहीं जीती, ठीक है भाई क्या सेटिंग्स है, सेटिंग्स क्या, सेम सेम पोटेंशियल है, हां चलो तो भैया हराने फॉलो कर उन्होंने फाड़ देनी है, नहीं यार ओ तेरी गणेश जी गिर गया, ज्यादा गैप नहीं है भाई, ज्यादा गैप भाई नहीं निकल रही है आगे, वो गैप बनाएगी देख, मेरे को लगता नहीं यार, देखो ना कितना बहुत मिनिमल है, निकल गाड़ी एक गाड़ी का भी ढंग से नहीं है, एन लाइन भाई मान गए एन लाइन, ये तो है मतलब निकल रही है, बट जैसे गैप होना चाहिए ना 120 20 घोड़ों में इतना नहीं, आगे से यूटर्न लेके आते रोलिंग करते हैं, ठीक है चलो भाई रोलिंग राउंड करते हैं, ठीक है फर्स्ट गियर 20, हां ड्रैग में तो क्लियर है वो, फर्स्ट गियर 20 तीन ऑन मैं बजा दूंगा, ठीक है ठीक है चलो, तो भैया रोलिंग करने वाले, रोलिंग कर रहे हैं भाई, फर्स्ट गियर 20 है, अरे नहीं जी नहीं, ओए निकल गए भाई साहब रोलिंग में, अरे नहीं यार फिर से तीसरे में हो गए, आगे आगे वो आ रहे भाई, ध्यान से ध्यान से भैया, कोई दिक्कत नहीं, ओ पुत्री भाई कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं, नहीं 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 कोई गैप ही नहीं, तो उसने ब्रेक ले ली वैसे, पर ज्यादा कोई गैप ही मन नहीं, इसमें बराबरी होगी पूरी, पूरी बराबरी हुई है, पूरी बराबरी दी है भैया, ड्राइव के बाद इसके अंदर चेंज आ गया, पूरी बराबरी दी है ये, अभी भी एक और बार करके देखे कर सकते हो, रोलिंग में इन्होंने ब्रेक मार ली, पता नहीं क्यों ब्रेक मार ली इन्होंने, मेरे को लग रही ले जाएगी एक बार करके देखते हैं, मैं कह रहा था मेरे को लग रहा पोटेंशियल जाएगी शायद, सुनो एसी ऑन कर लो, ट्रैक्शन ऑफ है, ठीक है भाई, आपका भी एसी होने ट्रैक्शन ऑफ है, ठीक है भाई साहब, बढ़िया कितनी लॉन्च मारते, एक मिनट चल भाई ब्रो निकल, क्या बात, नहीं 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 तीसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चल 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 निकल भाई, जीतने वाले जीत गए, जीत गए 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 भाई, जीत गए भाई, एसी ऑन में निकल गया रोलिंग में भी अभी पता करना है, रोलिंग में भी कर रहे थे, अरे दादा रोलिंग में भी हरा देंगे कोई दिक्कत नहीं मेरे को लग रहा है कर सकती है ये भाई, इसके स्टीयरिंग में वेट क्यों नहीं आ रहा है तेरा, हैंडलिंग तो उसकी अच्छी है, एनलाइन हाँ एनलाइन की अच्छी है, इसके टायर या तो बकवास है शायद, नहीं सही है भाई गाड़ी ओके, भी ज्यादा पीछे नहीं थी हाँ। वही कांटे का ही हो रहा है ज्यादा, मतलब लॉन्ग में कवर कर जाती है, लेकिन ट्रैक 400 मीटर आप जीतते हैं, एसी ऑन में, एसी ऑन में फ्रॉन्क्स जीत गई, वैसे एनलाइन जीत रही है हाँ। तो अब यहाँ से रोलिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ करके, ठीक है ठीक है ठीक, स्पेशलिस्ट तो बनना पड़ेगा दादा तेरे को, चलो 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 भैया हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अरे लेकर जा रहे हैं, अरे निकल गई भाई, एक सेकंड चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो भैया, पूरा कांटेक्ट है, अरे यार चलो 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 निकल यार, फिर बराबर बराबर सी बराबर, ये पूरी बराबर निकल रही है, निकल रही है निकल रही है, निकल गई 140 के बाद, 140 के बाद निकल जाती है, मतलब पोटेंशियल तो है गाड़ी का है ना, चल है भाई पोटेंशियल में ले जा रही है, बिल्कुल भाई, बट वही बात है ट्रैक खत्म हमारा हो जाता है बार बार, वरना पोटेंशियल ले जाएगी एक बार, चेक करो मजेदार पोटेंशियल में लेके जा रही है। तो गाइस देखा आपने भाई, जो इस ड्रैग की विजेता रहती है ना वो एन लाइन रहती है, फ्रॉन्क्स रोलिंग में निकल जाती है और एसी ऑन में भी निकलती है,
इसी और में भी निकल जाती है और रोलिंग में भी निकलती है, रोलिंग में निकल जाती है 140 के बाद निकलने लग जाते हैं। लेकिन अगर भाई आप फेयर रिजल्ट की बात करो तो एनलाइन जीती है भाई, जो फ्रोंक्स है आपकी वो एसी में और रोलिंग में निकल रही है भाई, और ड्रैग की विजेता आपकी एनलाइन है। तो अगर आपको आपकी जेब में 11 लाख रुपए और आपको देखना है कि पावर वाइज में कौन सी गाड़ी लूँ तो आप एनलाइन ले सकते हो, और अगर आपको वैसे देखना है कि फीचर वगैरह तो भी मेरे हिसाब से एनलाइन में फीचर ज़्यादा है, एनलाइन में ज़्यादा है। तो ये चीज़ है भाई। ठीक है गाइज, यही कुछ वीडियो थी। हाँ ऊँची ज़रूर है भाई ये गाड़ी ना एनलाइन से, हाँ ऊंची है भाई ये 190 है। हाँ ये भाई हैचबैक में आ जाती है थोड़ी सी, वैसी बनानी क्रॉस ओवर टाइप बनानी कोशिश करी है, लेकिन है तो ये भी हॉट हैच ही है, ये भी क्रॉस ओवर तो कहाँ ही है। और एक्चुअली इस गाड़ी के अंदर डीट्यून कर दिया इन लोगों ने इंजन इसका ना, तो इसका इंजन प्रोड्यूस कम कर रहा है बीएचपी, वरना बाहर बीएचपी 129 प्रोड्यूस करता है ये इंजन बाहर की, इसमें हमारे इंडिया वाले में कम कर दिया इन्होंने बीएचपी। तो देख लो गाइस बाहर तो स्विफ्ट भी बहुत तगड़ी आती है, स्विफ्ट स्पोर्ट वो तो 140 प्रोड्यूस करती है, 140 प्रोड्यूस करती है। चलो गाइस यही कुछ वीडियो थी, वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक देखी तो बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।